हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब बहुत ही फ्रिक्वेंटली वीडियोस आएंगे, फ्लैट के भी वीडियोस आएंगे एंड और भी वीडियोस आएंगे। सो उसी वादे के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वशिष्ठा इनक्लेव है, जो कि यहाँ पे 2 BHK 3 BHK फ्लैट अवेलेबल है। लोकेशंस की बात करूँ तो ये आपका न्यू वाला न्यूक्लियस मॉल जो आपने देखा होगा, आप रांची में रहते हो तो ऑब्वियसली जानते होंगे, जो कि कांके में है, वहाँ से ये महज 300 मीटर की दूरी पे है। एंड ये न्यूली कंस्ट्रक्ट फ्लैट है, 80% वर्क डन हो चुका है और छोटी मोटी वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे फ्लैट को। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे ये एंट्री गेट होगा वशिष्ठा इनक्लेव का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर में काफ़ी स्पेसियस पार्किंग मिलेगी आपको। यहाँ एमिनिटीज़ में आपको लिफ्ट भी मिलते हैं, पार्किंग भी काफ़ी स्पेसियस होगी। एंड आपको जस्ट आपके फ्लैट के जस्ट बगल में महादेव जी का मंदिर मिलेगा। सो इसी बात पे हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में सब जरूर कमेंट करना। हर हर महादेव, आपको जस्ट बगल में एक मंदिर मिलता है। आओ अंदर चलते हैं एंड फ्लैट्स को देखते हैं एंड एंजॉय करो वीडियो को। सो यहाँ से आपका स्पेसियस पार्किंग हो जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये आपका एंट्री होगा। अभी देखिए ये कंप्लीट नहीं है, बट ये बहुत जल्दी विद इन अ मंथ कंप्लीट होकर मिल जाएगा। अभी अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको जो प्राइसिंग पड़ेगा बुकिंग अमाउंट, वो 3500 स्क्वायर फीट है यहाँ पे आपका अभी का बुकिंग अमाउंट। एंड ये जब रेडी टू मूव हो जाएगा, आप भी जानते हो कि जो फ्लैट न्यूली कंस्ट्रक्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा प्राइसिंग कम होता है। आपने ये देखा कि कैसे यहाँ पर पूरा पार्किंग है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया पार्किंग। एंड यहाँ आपको लिफ्ट मिलेगी आपके पार्किंग में। एंड जानते हो ये जब बन जाएगा ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में, क्योंकि इसका जैसे आपने बाहर देखा होगा कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिलेगी लिफ्ट एंड इसके जस्ट बगल में आपको स्टेयर्स मिल जाएंगे, ये इस जगह पे। तो आइए हम लोग स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं। एंड जो हमारा फ्लैट वैकेंट है अभी, वो फ्लैट हम लोग देखेंगे। कई सारे फ्लैट फिल हो चुके हैं एंड जो हमारे पास अभी हमें मिला है ओपन करके फ्लैट, वो फ्लैट का हम लोग पूरा देखेंगे। एंड इसके बाद जो भी आप और फ्लैट्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको दिखा देंगे फ्लैट आके। तो ये देखो, ये आपका कॉरिडोर हो जाता है फ्लैट का। एंड कितना स्पेसियस आपको कॉरिडोर भी मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, बट अभी हमें जो फ्लैट मिला हुआ है दिखाने के लिए डेमो के रूप में, वो आपका थर्ड फ्लोर पे है। तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे चलेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये आपका कॉरिडोर हो गया फर्स्ट फ्लोर का। ये हम लोग का फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर हो गया, आपने देखा। हर एक फ्लोर पे यहाँ पे आपको 6 फ्लैट अवेलेबल है, टोटल यहाँ पे 18 फ्लैट हैं। सो अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं। यहाँ पे हम लोग 2 BHK फ्लैट देखेंगे। एंड ये जो डायमेंशन है 2 BHK का, सेम इट इज़ यहाँ पे सारे 2 BHK फ्लैट्स इसी डायमेंशन में होंगे। सो पहले हम लोग 2 BHK देखते हैं। एंड आपको मैं बताता हूँ, लिफ्ट जो है आपका, लिफ्ट नीचे मैंने आपको दिखाया था, वो आपका इस जगह पर आएगा। यहाँ पर आपका लिफ्ट आता है एंड इसी के साथ आपका 2 BHK का डायमेंशन आ जाएगा। आइए अंदर चलते हैं, 2 BHK फ्लैट देखते हैं। सो अब हम लोग एंटर करेंगे 2 BHK फ्लैट में, जो कि 10x15 का हॉल आपको स्टार्टिंग में ही एंटर करते के साथ मिलता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इसी के साथ कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे हैंड वॉश की सेटिंग वगैरह करके दी जाएगी सारी चीज़ें। ये आपका इंडियन स्टाइल में कॉमन वॉशरूम होगा। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको फिटिंग वगैरह करके मिलेगा सारी चीज़ें। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, फिर भी यहाँ पे 70% फ्लैट बुक हो चुके हैं, सिर्फ 2 या 3 फ्लैट बचे हैं। तो अगर आप भी ऐसे लोकेशन पे फ्लैट को बुक करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड आपको लोकेशन से मैं दिखाता हूँ, एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाता हूँ आज आप। अगर आप रांची से होगे ना तो इस व्यू को बहुत अच्छे से समझोगे। सो अगर आप ये व्यू जानते हो ना तो कमेंट करके बताओ सामने का कौन सा ये एरिया है, कांके का है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जूम भी कर देता हूँ, अगर समझ पा रहे होगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना रांची से हो तो। सो व्यू तो आपने देख लिया, अब चलिए फ्लैट को समझते हैं फटाफट, क्योंकि हम लोगों को 3 BHK भी देखना है। सो आइए देखते हैं। ये आपका बालकनी होगा बेसिकली, एंड यहाँ पे आपको विंडो लगा के दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड इसके साथ आपका अटैच होता है मास्टर बेडरूम एंड 1 एक्स्ट्रा बेडरूम, जो कि आपका 2 BHK का 2 बेडरूम आता है। तो इस साइड एक बेडरूम है एंड यहाँ आपका मास्टर बेडरूम है। सो आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर।
सो ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है एंड इसका जो सुपर बिल्डअप एरिया है करीब 1100 स्क्वायर फीट के लगभग में आएगा। एंड ये जो आपका रूम है 10x12 का है एंड इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बालकनी मिलेगा। एंड अगर आप अपने रूम को फर्निश वगैरह कराते हो तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे अपना गोदरेज वगैरह सेट कर सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। एंड ये आपको एक छोटा सा बालकनी मिल जाता है यहाँ पे इवनिंग में बैठने के लिए। एंड आप देख सकते हैं पीछे भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। सो इसे बंद कर देते हैं, वीडियो देखते हैं आगे। सो ये आपका हो गया अटैच वॉशरूम। यहाँ पे देखो आप काफ़ी अच्छी आपको फिटिंग मिलती है। यहाँ कमोड मिलता है, वेस्टर्न कमोड। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टैप सेटिंग मिलती है विथ सावर एंड ऑल। सावर अभी लगा हुआ नहीं है बट जरूर लग जाएगा। एंड यहाँ पे आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, ठीक है। एंड ये आपका बेसिन एरिया हो गया। सो ये आपका अटैच हॉल के साथ आपको एक दूसरा बेडरूम मिलता है। इसमें भी आपको एक बालकनी मिलेगी एंड विंडो मिलता है जो कि आपको सामने व्यू देता है। एंड आपको मैंने पहले भी बोला कि अगर व्यू आपको समझ में आता तो ज़रूर कमेंट करके बताना। सो ये आपका हो जाएगा बालकनी एंड ये आपका ये गेट हो जाता है। सो ये अभी विंडो लगा नहीं है बट आपको स्लाइडिंग विंडो लगा के मिलेगा। आइए अब चलते हैं अपने किचन की ओर। सो ये हम लोग का किचन एरिया हो जाएगा। आइए आप अंदर आइए, देख सकते हैं। एंड ये आपका अभी देखिए टाइल्स वगैरह लगा है। इतना बड़ा आपको बेसिन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लगा के मिलेंगी। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सो दैट्स वाई। एंड ये आपका किचन के साथ बालकनी हो जाएगा। सो आपने 2BHK फ्लैट तो देख ही लिया, अब हम लोग 3BHK फ्लैट की ओर चलेंगे। एंड आप देख सकते हो ये किन्होंने अपना फ्लैट बुक किया है एंड इसकी इंटीरियर करवाई है। एंड काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो इन्होंने अपना गेट डिज़ाइन करवाया है। आप भी अपने लिए फ्लैट बुक करो, ऐसा डिज़ाइन करवो। अगर इन फ्यूचर आपको इंटीरियर में भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर वो भी हमारे पास हैं। आप हमें कनेक्ट करो, हमारी टीम आपको बताएगी। प्रॉपर्टी वेरा का टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, वो आपको बताएगी कि कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर से कनेक्ट करना है। काफ़ी एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ हमारा टाई अप हुआ है जो कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में वर्क कर चुके हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने उनसे टाई अप किया है। बहुत ही जल्द हम लोग उनके साथ भी एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर का वीडियो लेके आएंगे। उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंप्लीट होगा देन उसके बाद। सो वो तो बात की बातें हैं, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करवाना चाहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह को कनेक्ट करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। सो अब हम लोग फ्लैट पे आते हैं, फ्लैट की बातें करते हैं। सो ये आप देख सकते हो आपका हॉल मिल जाता है 3BHK का। काफ़ी स्पेशियस हॉल है आपका, 1420 स्क्वायर का पूरा सुपर बिल्डअप एरिया आएगा। एंड ये हॉल के साथ आपको अटैच यहाँ पे किचन मिलता है। एंड ये जो 3BHK फ्लैट है ना, इसका एक सबसे अच्छा बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको हर एक जगह पे हर एक रूम में बालकनी मिलता है जो कि सबसे मतलब यूनिक चीज़ है इस फ्लैट में। सो अब हम लोग फर्स्ट बेडरूम की ओर जाएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है एंड इसका बालकनी मैं दिखाता हूँ आपको। ये काफ़ी स्पेशियस आपका आ जाएगा, करीब 10x12 का आपका बेडरूम आ जाता है। 10x12 से बड़ा है, अभी बेसिकली मुझे एक्यूरेट डायमेंशन नहीं पता है। आप जब आओगे आपको यहाँ पे जो भी फ्लैट दिखाएंगे वो आपको एक्यूरेट डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें समझा देंगे। एंड ये देखो आप बालकनी देख सकते हो, बालकनी तो नहीं बोलूँगा मैं, ये आपका विंडो आ जाएगा। आप इसे डिज़ाइन करवा सकते हो अपने साइड से। एंड देखो यहाँ पे इवनिंग में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये पूरा आप जो देख रहे हो ना, ये सामने ये मोराबादी का एरिया आता है आपका पूरा। एंड आप इवनिंग में बैठ के यहाँ पे टी के साथ काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग चलेंगे अपने दूसरे बेडरूम के। एंड वन मोर थिंग, ये सुबह का ईस्ट फेसिंग आता है तो मॉर्निंग में एकदम डायरेक्ट धूप आपको इस रूम में मिलेगा। सो जो मॉर्निंग का धूप सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड एक फ्रेशनेस के लिए, एक अच्छा दिन के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे धूप मिलेगा जो कि आप अपने लिए एक हेल्दी धूप। एंड इसी के साथ ही आपका अटैच बाथरूम आ रहा है। अभी तो थोड़ा अंधेरा, आपने जैसे 2BHK देखा था सेम टाइल फिटिंग्स है। एंड ये आपका इंडियन स्टाइल में आता है। सो इसको स्किप करते हैं, आइए चलते हैं दूसरे बेडरूम की ओर। सो ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम में भी आपको ईस्ट फेसिंग पे बालकनी आएगा। ये आपका ईस्ट फेसिंग पे बालकनी है, ये आपका बालकनी आ जाता है। मॉर्निंग में आप योगा वगैरह यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, एक छोटा सा प्लेस जहाँ पे सुबह मेडिटेशन एंड ऑल सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू आता है इसमें। एंड स्लाइडिंग विंडो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक, अभी यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो फिट हो गई है इस वाले सेक्शन में। सो आइए चलते हैं, ये तो हमारा रूम एंड हो गया सेकेंड रूम। अब हम लोग चलेंगे मास्टर बेडरूम की ओर। सो आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की ओर, जो हम लोग को दिखाएंगे। उसमें अटैच बाथरूम आपको मिलता है। सो ये हमारा थर्ड बेडरूम आएगा।
एंड इस थर्ड बेडरूम में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक विंडो आपका इस साइड पे हो जाता है। एंड ये आपको वेस्टर्न स्टाइल में वॉशरूम मिलेगा, ये आपका वेस्टर्न स्टाइल में वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी, टाइल्स A1 क्वालिटी का है आपका, एंड आप देख सकते हो ये वेस्टर्न क्वालिटी में सेट हो चुका है। सो आइए इस पर बालकनी, आपको बालकनी तो इसमें नहीं है, आपको मैं विंडो दिखा देता हूँ। ये आपका विंडो आपको मिलता है, स्लाइडिंग विंडो, इसी तरह की विंडो आपको हर एक जगह पे सेट करके मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। सो अब हम लोग देखेंगे हॉल, जो हॉल नहीं, ये बेसिकली आपका डाइनिंग एरिया आएगा जो कि आपका किचन के साथ अटैच्ड होगा। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया आता है, ओपन एरिया है, इसे आप अपने हिसाब से नेट वगैरह लगा के सेट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कितना अच्छा व्यू आता है, इनफैक्ट आप इवनिंग में शाम में बैठ भी सकते हो यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू आता है देख सकते हो आप। एंड आप देखो सारे जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंड ये सामने आपको मैंने वहाँ से भी पूछा था ये लोकेशन कौन सा, व्यू कौन सा, अगर आप मुझे बता पाओ ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा, ठीक है। एंड वीडियो एंड करने के साथ एक दो चीज़ें जो बताना चाहता हूँ, लाइक कि ये जो आपका टोटल, ये जो आपका 3 BHK का फ्लैट है, ये टोटल 1420 स्क्वायर फीट में है, एंड इसकी जो प्राइसिंग है 3500 रुपीज़ स्क्वायर फीट है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन और भी चीज़ें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप कॉल करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।